तो अगर आप भी गल्फ यूरो कंट्री फ्री में जाना चाहते हैं पर आपको पता नहीं कि फ्री में गल्फ यूरो कंट्री कैसे जाते हैं, कम खर्चे में कैसे जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गल्फ यूरो कंट्री में फ्री में कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 15 मुंबई की सबसे टॉप 10 ऑफिस के बारे में बताऊँगा। अगर आप इन ऑफिसों के थ्रू अगर आप भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं या जाते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। लेकिन अगर इन ऑफिसों में फ्री वैकेंसी नहीं रहता है तो अगर आप इन ऑफिसों के थ्रू जाते हैं तो जो इनकी जो सर्विस चार्ज होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो आज इन ऑफिसों के बारे में पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा कि इन ऑफिसों के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि जो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं तो क्या है कि छोटे छोटे शहरों में या जो गाँव में जो भी एजेंट हैं जो ऑफिस वाले हैं उन लोग का डिमांड एक अलग है। यूरोप कंट्री या गल्फ कंट्री में भेजने के लिए वो लोग 1 लाख रुपये से लेकर 4-4 लाख, 4-4 लाख रुपये तक वो लोग सर्विस चार्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको इतना पैसा नहीं देना है। आपको क्या है कि जो मैं आपको 15 ऑफिस का नाम बता रहा हूँ, अगर आप उन 15 ऑफिसों के थ्रू अगर आप भी गल्फ यूरोप कंट्री में जाते हैं तो आपको अच्छी कंपनी भी मिलती है, अच्छी सैलरी भी मिलती है और आप फ्री में जा सकते हैं। 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि आपको मुंबई आके ही इंटरव्यू देना पड़ेगा तभी आप फ्री में गल्फ यूरोप कंट्री जा सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला ऑफिस है वो है सिंक्लेस मार्केटिंग सर्विसेज पीवीटी एलटीटी। तो दोस्तों ये ऑफिस बहुत अच्छी ऑफिस है और सबसे जेन्युइन ऑफिस है। इस ऑफिस में ज़्यादा करके फ्री रिक्वायरमेंट आते हैं और इस ऑफिस में गल्फ कंट्री और यूरोप कंट्री के सबसे ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट आते हैं। तो अगर आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 80% चांस रहता है कि आपका फ्री रिक्वायरमेंट, मतलब आप फ्री में ही आप यूरोप कंट्री या गल्फ कंट्री जा सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस में अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर से हैं या मैकेनिकल सेक्टर से हैं या हेल्थ सेक्टर से या सिविल कंस्ट्रक्शन से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिस में हर एक कैटेगरी का वैकेंसी आता है, हर एक ट्रेड का वैकेंसी आता है, तो इस ऑफिस से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही इस ऑफिस का एड्रेस है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो दूसरा ऑफिस है वो फाल्कन सर्विसेज। तो दोस्तों फाल्कन सर्विसेज भी बहुत अच्छी ऑफिस है और बहुत जेन्युइन ऑफिस है, बहुत पुरानी ऑफिस है। तो दोस्तों इस ऑफिस में भी हर एक कंट्री का वैकेंसी आता है, गल्फ कंट्री का आता है, यूरोप कंट्री का आता है और इसमें हर एक सेक्टर का वैकेंसी आता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस का, पेट्रोकेमिकल का, पावर प्लांट का और सिविल कंस्ट्रक्शन का या हेल्थ सेक्टर का, हर एक सेक्टर का इस ऑफिस के वैकेंसी आता है। तो अगर आपको इस ऑफिस के थ्रू जाना है तो आप इस ऑफिस के थ्रू जा सकते हैं। इस ऑफिस में भी फ्री रिक्वायरमेंट ज़्यादा करके आता है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है बहुत कम सर्विस चार्ज होता है, तो इस ऑफिस के थ्रू जा सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही इस ऑफिस का एड्रेस है। दोस्तों जो तीसरा ऑफिस है वो है डायनेमिक स्टाफिंग सर्विस। तो दोस्तों डायनेमिक स्टाफिंग सर्विस भी बहुत बड़ी ऑफिस है और बहुत पुरानी ऑफिस है। तो दोस्तों इस ऑफिस में भी गल्फ और यूरोप कंट्री का वैकेंसी आता है और सबसे ज़्यादा इस कंपनी में जो बहुत बड़ी बड़ी ईपीसी कंपनियाँ होती हैं उन कंपनियों का भी इस ऑफिस में वैकेंसी आता है। तो दोस्तों इस ऑफिस में हर एक कैटेगरी का वैकेंसी आता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स, हर एक सेक्टर का इस ऑफिस में वैकेंसी आता है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस ऑफिस में ज़्यादा करके जो वैकेंसी आती है वो फ्री रिक्वायरमेंट की आती है और ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो यूरोप कंट्री की ज़्यादा आपको वैकेंसी आती है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपके मोबाइल में दिख रहा होगा, तो दोस्तों इस ऑफिस का यही एड्रेस है, मुंबई का ये एड्रेस है। तो अगर आप मुंबई में हैं तो इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज भी होता है वो बहुत कम आप सर्विस चार्ज होता है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो अगला ऑफिस है वो है एएम ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंसी। तो दोस्तों ये भी ऑफिस बहुत अच्छी ऑफिस है और बहुत पुरानी ऑफिस है। दोस्तों इस ऑफिस में भी गल्फ यूरोप कंट्री की वैकेंसी आती है और फ्री वैकेंसी भी आती है। तो दोस्तों इस ऑफिस में भी हर एक कैटेगरी का, हर एक ट्रेड का वैकेंसी आता है, यूरोप कंट्री का या गल्फ कंट्री का। तो इसमें भी ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो फ्री रिक्वायरमेंट की होती है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट की वैकेंसी नहीं रहती है तो इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है बहुत कम सर्विस चार्ज होता है,
तो आप इस ऑफिस के थ्रू भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या यूरोप या गल्फ कंट्री जा सकते हैं। ये भी ऑफिस बहुत अच्छी ऑफिस है। इस ऑफिस में भी फ्री रिक्वायरमेंट ज़्यादा करके आता है और हर एक कैटेगरी ट्रेड का वैकेंसी आता है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला ऑफिस है वो है जेरी वर्गीस। तो दोस्तों जेरी वर्गीस है वो बहुत पुरानी ऑफिस है और बहुत जेन्यून ऑफिस है, बहुत बड़ी ऑफिस है। तो दोस्तों इस ऑफिस में ज़्यादातर जो वैकेंसी आता है वो जो हायर एजुकेशन वाले होते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं या हेल्थ सेक्टर में जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी ज़्यादा करके ऑफिशियल लाइन की ज़्यादा करके वैकेंसी आती है। तो क्या है कि इस ऑफिस में ज़्यादा करके यूरोप कंट्री की वैकेंसी आती है और फ्री रिक्वायरमेंट में वैकेंसी आती है। तो अगर आप भी हायर एजुकेशन या डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, इंजीनियर्स हैं, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑफिस ज़्यादा करके जो इस ऑफिस में जो वैकेंसी आती है वो ज़्यादा करके यूरोप कंट्री का, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे यूएसए करके ज़्यादा कंट्री का, इटली का, जर्मनी का वैकेंसी आता है और फ्री रिक्वायरमेंट में आता है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और फ्री रिक्वायरमेंट में आप फ्री में इस ऑफिस के थ्रू जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी ऑफिस है। तो इस ऑफिस का जो एड्रेस है आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यही इस ऑफिस का एड्रेस है मुंबई का। तो दोस्तों उसके बाद से जो ऑफिस है वो है ब्राइट इंटरनेशनल। तो दोस्तों ब्राइट इंटरनेशनल भी बहुत अच्छी ऑफिस है, बहुत पुरानी ऑफिस है। तो दोस्तों इस ऑफिस में भी यूरोप कंट्री का और गल्फ कंट्री का वैकेंसी आता है, और जो वैकेंसी आता है वो ज़्यादातर जो वैकेंसी होती है वो फ्री रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको फ्री में जाना होता है। और इस ऑफिस में हर एक कैटेगरी का वैकेंसी आता है, चाहे आप ऑयल एंड गैस सेक्टर से हैं या हेल्थ सेक्टर से हैं या सिविल कंस्ट्रक्शन से हैं या कंस्ट्रक्शन से हैं या मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन से हैं, तो हर एक कैटेगरी का वैकेंसी आता है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अपना वीज़ा। ये बहुत अच्छी ऑफिस है, जेन्यून ऑफिस है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऑफिस का भी जो सर्विस चार्ज होता है वो बहुत कम सर्विस चार्ज होता है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है वो बहुत कम सर्विस चार्ज होता है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस ऑफिस का यही एड्रेस, ऑफिस वो ITL HR कंसल्टेंसी, इसका पूरा नाम दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड लिंक HR कंसल्टेंसी। तो दोस्तों इस ऑफिस में बहुत अच्छी ऑफिस है और ये बहुत पुरानी ऑफिस, जेन्युइन ऑफिस है। दोस्तों इस ऑफिस में गल्फ यूरोप की वैकेंसी आती है, लेकिन दोस्तों इस ऑफिस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है वो शिपयार्ड कंपनियाँ पे आती है, या जो शिप की जो कंपनी होती है जो शिप से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा इस ऑफिस में वैकेंसी आती है। अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी आती है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर से वैकेंसी आती है, हेल्थ केयर सेक्टर से भी वैकेंसी आती है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी इस ऑफिस में वैकेंसी आती है। हर एक कैटेगरी का वैकेंसी आता है। और इस ऑफिस का में ज़्यादा करके जो वैकेंसी आती है वो फ्री रिक्वायरमेंट आता है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो जो इस ऑफिस की जो सर्विस चार्ज होती है बहुत कम सर्विस चार्ज होता है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से जो अगला ऑफिस है वो अंबे कंसल्टेंसी सर्विसेज PVT LTD। दोस्तों ये भी ऑफिस बहुत अच्छी ऑफिस है और ये बहुत पुरानी ऑफिस है। दोस्तों इस ऑफिस में जो वैकेंसी आती है गल्फ यूरोप कंट्री का वैकेंसी आता है और फ्री रिक्वायरमेंट में भी वैकेंसी आता है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस ये भी ऑफिस बहुत जेन्युइन ऑफिस है। इस ऑफिस में भी फ्री रिक्वायरमेंट आता है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं आता है तो इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है वो बिल्कुल कम होता है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस का एड्रेस है वो आपके मोबाइल पे शो कर रहा होगा, तो यही इस ऑफिस का एड्रेस है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी मैं ऑफिस का नाम बता रहा हूँ, ये जितने भी ऑफिस हैं ये मुंबई में ऑफिस हैं, और इन ऑफिसों का अलग अलग शहरों में ब्रांच है, लेकिन मैं सिर्फ मुंबई की ऑफिसों का ही आपको एड्रेस बता रहा हूँ या बता रहा हूँ। इन ऑफिसों का ब्रांच आपको दिल्ली में, बड़ौदा में, चेन्नई में, सूरत में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ मुंबई के ऑफिस का एड्रेस बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुंबई है वो गल्फ यूरोप जॉब का हब है। जितने भी ऑफिस हैं मुंबई में उन सभी ऑफिसों का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही रहता है। तो दोस्तों उसके बाद जो अगला ऑफिस है वो जी घी वाला है। दोस्तों जी घी वाला भी बहुत पुराना ऑफिस है, जेन्युइन ऑफिस है। इस ऑफिस में भी गल्फ यूरोप कंट्री का वैकेंसी आता है। तो दोस्तों इस ऑफिस के थ्रू भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑफिस में भी हर एक सेक्टर का वैकेंसी आता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी आता है, हेल्थ केयर सेक्टर से आता है, सिविल कंस्ट्रक्शन से आता है, या जो भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके
रिलेटेड भी वैकेंसी आती है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू वैकेंसी इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी ऑफिस है, फ्री रिक्वायरमेंट में भी ये फ्री में भेजती है, तो अच्छी ऑफिस है, इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यही इस ऑफिस का एड्रेस है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से जो अगला ऑफिस है वो है एशिया पावर। तो दोस्तों एशिया पावर भी बहुत अच्छी ऑफिस है, जेन्यून ऑफिस है और पुरानी ऑफिस है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिस में भी जो अच्छी अच्छी कंपनियों का वैकेंसी आता है, गल्फ और यूरोप कंट्री का वैकेंसी आता है, हर एक कैटेगरी का वैकेंसी आता है, आयरलैंड गैस सेक्टर का वैकेंसी आता है और सिविल कंस्ट्रक्शन का आता है, हेल्थ केयर का आता है, तो हर एक ट्रेड की वैकेंसी आती है। और ज़्यादा करके इस ऑफिस में जो वैकेंसी आती है वो कोरियन कंपनी की आती है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, अपना वीज़ा फ्री में इस ऑफिस के थ्रू जा सकते हैं। ये भी ऑफिस बहुत अच्छी ऑफिस है। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो दोस्तों इस ऑफिस का यही एड्रेस है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला ऑफिस है वो है अम्बे इंटरनेशनल। दोस्तों अम्बे इंटरनेशनल भी बहुत अच्छी ऑफिस है, इस ऑफिस में भी गल्फ और यूरोप कंट्री के वैकेंसी हमेशा आ रहा था, तो दोस्तों इस ऑफिस में भी फ्री रिक्वायरमेंट आता है गल्फ कंट्री का या यूरोप कंट्री का, तो आप फ्री में जा सकते हैं। लेकिन इस ऑफिस में अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है वो बिल्कुल कम सर्विस चार्ज रहता है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोस्तों इस ऑफिस का यही एड्रेस है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत जेन्युइन ऑफिस है। तो दोस्तों लिब्रा इंटरनेशनल में बहुत अच्छी ऑफिस है और इस ऑफिस में यूरोप और गल्फ कंट्री की वैकेंसी आती है, तो इसमें भी फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, तो इसे ऑफिस फ्री में भेजती है, चाहे गल्फ कंट्री हो चाहे यूरोप कंट्री हो, ये भी ऑफिस जेन्युइन ऑफिस है, ये भी ऑफिस कभी फ्रॉड नहीं करती है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी ऑफिस है। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इस ऑफिस में जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऑफिस है। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला ऑफिस है वो सीला कॉन्स्टिटेंसी है। तो दोस्तों सीला कॉन्स्टिटेंसी भी बहुत अच्छी ऑफिस है, पुरानी ऑफिस है, तो दोस्तों इस ऑफिस में भी यूरोप कंट्री का वैकेंसी रहता है और गल्फ कंट्री का भी वैकेंसी रहता है और फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, इस ऑफिस के थ्रू जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी ऑफिस है, जेन्युइन ऑफिस है, कोई फ्रॉड नहीं करती है, फ्री रिक्वायरमेंट रहता तो ये ऑफिस फ्री में भेजती है, अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता तो इस ऑफिस का सर्विस चार्ज भी बहुत कम हो सकता कम होता है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है, तो दोस्तों इस ऑफिस का यही एड्रेस है। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला ऑफिस है वो है बेटा कॉन्स्टिटेंसी। दोस्तों बेटा कॉन्स्टिटेंसी में बहुत अच्छी ऑफिस है और इस ऑफिस ये भी ऑफिस बहुत जेन्युइन ऑफिस है, पुरानी ऑफिस है, इस ऑफिस में भी गल्फ और यूरोप कंट्री की वैकेंसी आती है, तो इस ऑफिस में भी हर एक कैटेगरी की वैकेंसी आती है, हर एक ट्रेड का वैकेंसी आता है, तो आप भी इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस ऑफिस में फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो ये ऑफिस फ्री में बहता है, लेकिन फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है वो बिल्कुल कम होता है, चाहे गल्फ कंट्री का हो या यूरोप कंट्री का, एक ही सामान इस ऑफिस का सर्विस चार्ज रहता है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है आपके तो मोबाइल के स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, दोस्तों इस ऑफिस का यही एड्रेस है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला ऑफिस है वो है एफ जी वाला। दोस्तों एफ जी वाला भी बहुत अच्छी ऑफिस है, जेन्युइन ऑफिस है और बहुत पुरानी ऑफिस है। दोस्तों इस ऑफिस में भी गल्फ और यूरोप कंट्री का वैकेंसी आता है, हर एक ट्रेड का वैकेंसी आता है, इस ऑफिस में भी फ्री रिक्वायरमेंट रहता है, तो अगर फ्री रिक्वायरमेंट इस ऑफिस में रहता है तो ये ऑफिस वाले आपको फ्री में देते हैं, लेकिन अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो इस इन ऑफिसों का जो सर्विस चार्ज है वो बहुत कम सर्विस चार्ज है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जेन्युइन ऑफिस है। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो दोस्तों इस ऑफिस का यही एड्रेस है, तो आप इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद से जो ऑफिस है इंडमान कॉन्सल्टेंसी, तो दोस्तों इंडमान कॉन्सल्टेंसी भी बहुत अच्छी ऑफिस है, बहुत पुरानी ऑफिस है और इस ऑफिस में जो वैकेंसी आती है वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी आती है, चाहे गल्फ की कंपनी हो चाहे यूरोप की कंपनी हो, जितनी भी वैकेंसी आती है वो वैकेंसी होती है वो ईपीसी कंपनियों की होती है, मतलब क्लाइंट की जो कंपनी होती है उन कंपनियों का वैकेंसी इस ऑफिस में आता है, तो अगर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो ये ऑफिस वाले आपको फ्री में भेजते हैं, अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता तो इस ऑफिस का सर्विस चार्ज भी बहुत कम रहता है, चाहे आप गल्फ कंट्री का हो चाहे यूरोप कंट्री का हो,
तो आप इस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जेन्युइन ऑफिस है, बहुत अच्छी ऑफिस है दोस्तों। इस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, इस ऑफिस का यही एड्रेस है। तो आप इस ऑफिस के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जितने भी 15 ऑफिस बताए हैं, अगर आप इन 15 ऑफिसों के थ्रू अगर आप गल्फ या यूरोप कंट्री में जाते हैं तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है, और आप आसानी से इन ऑफिसों के थ्रू आप गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री में फ्री में जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि इन ऑफिसों का जो सर्विस चार्ज होता है वो बहुत कम होता है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट आता है तो ये ऑफिस वाले आपसे 1 रुपया भी सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं, फ्री में दे देते हैं। लेकिन अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो इन ये ऑफिस वाले बहुत कम सर्विस चार्ज लेके आपको यूरोप कंट्री भेज देते हैं। इन ऑफिसों में कभी फ्रॉड नहीं होता है, और ये ऑफिस वाले कभी भी एडवांस पैसा नहीं लेते हैं। तो इसके लिए ये ऑफिस वाले मुंबई की सबसे बेस्ट ऑफिस में आते हैं, और हर कोई इस ऑफिस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता है। जिन भाई को मालूम होता है वो इन्हीं ऑफिसों के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, और कभी भी एजेंट के चक्कर में वो लोग नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप अपने सवाल मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।